नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित जलधारी। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि आप लोगों से कुछ जानकारी आई है रेलवे को लेके वो शेयर करूं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन नहीं पा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं और उसको शेयर करूं आपके साथ। कुछ 3-4 बड़े अपडेट्स थे रेलवे को लेके जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो फतेहाबाद उज्जैन के बीच जो बड़ी लाइन जो बिछाई गई है वो वहाँ का अब CRS इंस्पेक्शन लगभग पूरा हो गया है और CRS महोदय ने जो भी सुझाव दिए हैं या जो सुधार बताए हैं वो अब वेस्टर्न रेलवे अब उनको करेगा और बहुत ही जल्द मेरे को लगता है फरवरी के एंड तक CRS इस रूट पे पैसेंजर ट्रेनों के मूवमेंट की परमिशन दे देंगे। तो इस रूट पे माना जाता है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी, हालांकि जो ट्रैक है वो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के क्षमता का बिछाया गया है। रेलवे बोर्ड पहले ही तय कर चुका है कि जो डॉक्टर अंबेडकर नगर जो प्रयागराज सप्ताह में 4 दिन हो गई है अभी ट्रेन ये, और तो ये ट्रेन और दूसरी जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है वो दोनों ही ट्रेन फतेहाबाद उज्जैन होकर चलाई जाएंगी। तो मेरे को बहुत ही जल्द लगता है मार्च या अप्रैल से ये दोनों ट्रेनें, हालांकि अभी महाकाल एक्सप्रेस तो चालू नहीं हुई है, लेकिन जो महू प्रयागराज जो ट्रेन चल रही है वो नियर फ्यूचर फतेहाबाद उज्जैन होकर निकलने लगेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है इंदौर के लिए और ख़ासतौर पे जो पूरा मालवा रीजन के लिए वो ये है कि रेलवे ने जो इंदौर की लगभग 8 ट्रेनों को चलाने की परमिशन दे दी है, उसमें से ज़्यादातर ये वीकली या ट्वाइस इन वीक टाइप की ट्रेनें हैं और इनमें इंदौर बीकानेर महामना एक्सप्रेस है, इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस है, इंदौर सराय रोहिल्ला दिल्ली एक्सप्रेस है जो सप्ताह में 2 दिन चलती है, इंदौर जम्मू तवी जो वीकली ट्रेन है वो है, इंदौर चंडीगढ़ वीकली ये ट्रेन है, इंदौर कोचुवेली ट्रेन है और महू यशवंतपुर ट्रेन है, और इसके अलावा एक जो इंदौर की जो ट्रेन है इंदौर उज्जैन पैसेंजर है। तो साथियों ये जो है इससे काफ़ी मूवमेंट बढ़ेगा और जो लोग जो अब तक परेशान थे या बसों में नहीं जाना चाहते थे या उनको सीट नहीं मिल पा रही थी या उनको हायर साइड पे जाके पे करना पड़ रहा था, तो ये सब चीज़ें अब सरल हो जाएंगी। मैं एक बार वापस फतेहाबाद उज्जैन ट्रैक पे लौटूंगा कि यहाँ पे जो है वो ये जो इंदौर के लिए ये महत्वपूर्ण रेल लाइन इसलिए है क्योंकि इससे जो इंदौर देवास उज्जैन होते हुए जो अभी जिसकी दूरी थी वो 79 किलोमीटर थी, जबकि फतेहाबाद होकर उज्जैन जो पहुंचने में लगभग 63-64 किलोमीटर का रन रहेगा, इससे अगर करीब 16 किलोमीटर के रन की बचत होगी तो स्वाभाविक रूप से टाइम तो बचेगा ही और एक इंजन रिवर्सल की जो एक परेशानी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो भोपाल या जो मक्सी होते हुए ये गुना की तरफ जो जाती है ट्रेन तो उनका काफ़ी समय बचेगा। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो महू प्रयागराज को लेके है, सप्ताह में अभी तक 3 दिन चल रही थी वो अब 4 दिन हो गई है और इसको साथ ही साथ इसको जो रेलवे ने इसको LHB रैक में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और काफ़ी लोग चूँकि UP का काफ़ी बड़ा क्राउड रहता है इंदौर में, UP बिहार ट्रांसमॉल का, तो इन सबको उससे सुविधा मिलेगी। तो साथियों आपकी बार थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।